हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक बार चैनल में सोनू सभा ब्लॉग में। कैसे आप लोग, दुआ करते हैं सारे भाई ठीक होंगे। तो भाई आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो आज हम जिस जगह पर आए हैं ना, इस जगह के बारे में मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी है। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी मतलब मिरेकल होते हैं काफ़ी सारे। अब पता नहीं यार सच्ची में होते हैं या पब्लिक झूठ बोलती है, बाकी वीडियो में तो ऐसे ही दिखाते हैं। बाकी इसी चीज़ का एक्सपीरियंस करने की ये रियलिटी में है या नहीं है, इसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। और जो जगह पर हम आए हैं उसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। आप जानते हैं कि बालाजी को लेकर लोगों ने काफ़ी सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं कि यहाँ पर भूतों का वास है, भगवान रहते हैं, कि वैज्ञानिक फेल हो गए। अब मैं नहीं पता, बाकी भाई ब्लॉग में हमने देखा है जैसे दिखाते हैं जो रियलिटी है नहीं है, तो उसी को फेस करने के लिए आज हम खुद आए हैं यहाँ पर, कि जिससे आपको सच्चाई हम बता सके कि हाँ सच में ही ऐसा है या नहीं है। तो जैसा भी है हम आपको दिखाएंगे, और बाकी आज हम आपको बालाजी के दर्शन भी कराएंगे साथ में। और बाकी अभी हम भाई ऊपर आए हुए हैं जहाँ पे हमारा हमने रूम लिया हुआ है, तो आपके लिए दिखाते हैं हम आपको। पीछे देखो मेरे पहाड़ है, इधर देखो आपको दिखाता हूँ मैं हमारे बालाजी कहाँ गए। ये देखो हमारे बालाजी की मूर्ति है कितनी बड़ी है। इधर भी देखो भाई पहाड़ है, कितना प्यारा नज़ारा है। बाकी बहुत ही अच्छी जगह है, और आप अंत तक बने रहना ब्लॉग में। अभी हम दर्शन करने जाएंगे, फिलहाल अभी हम फ्रेश नहीं हैं, क्योंकि भाई अभी अगर हम बस से उतरे हैं तो अभी तो कुछ करा नहीं है। अभी कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद दर्शन करने चलेंगे। पहले लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगाने के बाद जब हमारा नंबर आएगा उसके बाद दर्शन होंगे, हम आपको भी दिखाएंगे दर्शन करने। आप भी आएँ अपनी फैमिली के साथ में। और बाकी मिरेकल वाला पता नहीं, आज देखते हैं मिरेकल सच में होगा या नहीं होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतजार है इस चीज़ का, और आप भी सस्पेंस रखना, दिखाते हैं हम आपको। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी हम मेहंदीपुर की पावन गलियों में आ चुके हैं दर्शन के लिए। हम जा रहे, देख रहे हो बालाजी मंदिर के बाहर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हो सभी दर्शन के लिए भक्त बैठे हुए हैं। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं, देख सकते हो सुबह यहाँ ये हम आ गए हैं मंदिर के बाहर। आप जैसे जानते हो, देखो अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो अभी मंदिर के दरवाजे बंद है, जो यहाँ पर LCD वगैरह लगी करती थी आरती दिखाने के लिए वो भी बंद है। और आप देख सकते हो अभी ऐसी कितने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जैसे कि गाइस आपको हमने बताया था कि यहाँ पे मिरेकल्स, जो मतलब कि बुरी शक्तियाँ अच्छी शक्तियों में बदल जाती है। और ये देख सकते हो आपके सामने गाइस कैसे, ओ भाई सच्ची में यार बालाजी, मैं भी झूठ मानता था लेकिन ये झूठ नहीं है यार, बातें सारी सच्ची है। ये देख सकते हो आप कैसे लोग, ओ कि आप जानते हैं ये बालाजी का रहस्य है बहुत ही पुराना, और ना तो इसे आज तक वैज्ञानिक जान पाया और ना ही कोई व्यक्ति। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये मेरी वाइफ है और ये मैं हूँ। ये हमारा फ़ोन विवेक भाई ने पकड़ रखा है, क्योंकि ये भाई भी हमारे साथ में आए हुए हैं जो चश्मे में है। विवेक भाई याद दिखा रहे हैं आपको, तो क्योंकि हमारे पास सामान है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने विवेक भाई को फ़ोन दे रखा है। और हम भी बालाजी में दर्शन करने जा रहे हैं, और फ़ोन को अभी हम रखेंगे बंद, क्योंकि बालाजी के अंदर जो है ना फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। वीडियो बनाने के लिए मना है, सख्त मना है, इसीलिए सिक्योरिटी का भाई आप भी पालन करें, जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करें। और ये आप देख सकते हो आरती हो रही है, और आरती के लिए कितना ज़्यादा, और यहाँ पर मिठाई की दुकान है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा भीड़ है आरती के लिए, पब्लिक ये सब बैठे हुए हैं अभी हम। और जैसे कि आई सब देख सकते हैं कि पीड़ित लोग आए हुए हैं अपने दर्दों को यहाँ पे लेकर, अपने दर्दों का निवारण करने के लिए। और ये देख सकते हो जैसे कि आप सब, ये अंकल भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं बैठ के देखो अपने दर्द से। तो भाई पता नहीं क्या हुआ है इन्हें, बाकी ये बोलते हैं कि इनके ऊपर भी कुछ बुरी शक्तियों का प्रभाव है। तो गाइस आरती शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं, और जल्दी से हम भी अंदर जा रहे हैं। और अब आपको हमारी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि हमने जैसे आपको बताया मंदिर में जाने के बाद फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। और अगला ब्लॉग इसके बाद ही आने वाला है, और यहाँ पे आरती का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं अपने घर बैठ के आराम से। देख सकते हैं सामने बालाजी का मंदिर है, अंदर देख रहे हैं ना। तो चलते हैं गाइस।